नो सर, नहीं सर, नहीं तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड खोल दो और उसमें जो जो चीज हम भेज रहे हैं उसको सबको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखना है, और जो न्यूमेरिकल दे रहे हैं वो न्यूमेरिकल अगर नहीं समझ में आता है तो पूछो कि क्या दिक्कत है ना। अगर ऐसे मैं आज तुमको जो है क्या कहता है कैसे एक बार फिर से बता देता हूँ कि कैसे करके उसको बनाना है, क्योंकि बीइंग ए डेटा टेक्नोलॉजिस्ट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इफ यू आर वर्किंग इन योर प्लांट डेयरी प्लांट वेयर देयर इज ए मैन्युफैक्चर ऑफ कंडेंस मिल्क और ब्रेड मिल्क, देन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन द लेवल एंड लीगल स्टैंडर्ड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट। तो इसमें वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट स्वीटन कंडेंस मिल्क हो, चाहे ब्रेड मिल्क प्रोडक्ट हो, चाहे WMP हो, SMP हो, यू हैव टू गो थ्रू द स्टैंडर्डाइजेशन। तो कैसे करके तुम हंसो इसको बनाओगे, तो मैंने क्वेश्चन जो भेजा था देखे हो उसको, क्वेश्चन मैंने भेजा था कि कैसे उसको सॉल्व करना है, और सभी लोग से आग्रह है कि सभी लोग वीडियो ऑन कर लो पढ़ना। और कौन कौन वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? देखो इससे पता चलता है कि तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो क्लास में ठीक से। और लोग क्यों नहीं कर रहे हो? फिर कहोगे कि हम प्रैक्टिकल में नंबर कम आए और ये आए, यही दिखा रहा है कि तुम प्रैक्टिकल जब जो हम बताना भी चाह रहे हैं तो उसको सुनना नहीं चाह रहे हो। रोहित क्या दिक्कत है रोहित ओपन करने में? और लोग से भी है कि ऑन कर लो ताकि हम थोड़ा पहचान मिले, नाम नाम भी थोड़ा जान लें, और कोई दिक्कत है तो पूछो उसमें। जैसे तुम्हें जो दूध मिलेगा तो उसको पहले क्या करना है, उन्हें बताया कि उसको पहले हम हीट स्टेबिलिटी का चेक करते हैं। हीट स्टेबिलिटी के चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बताया ऑलरेडी तुमको भेज चुका हूं अभी, अल्कोहल टेस्ट करते हैं, फिर अल्कोहल अल्जीरियन टेस्ट करते हैं, और एक अल्कोहल इंडेक्स टेस्ट करते हैं। तो हमें दूध कंडेंस मिल्क या इवोपरेटेड मिल्क या ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट बनाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें स्क्रीनिंग करते हैं। तो यू मस्ट गो फॉर द प्लेटफॉर्म टेस्ट जनरली कंडक्टेड फॉर एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग ऑफ मिल्क एट द डेस्क, मैंने मतलब एट द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। तो कैसे करते हैं, एक तो अगर लैक्टिक टेस्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन ऑर्गोनेप्टिक एनालिसिस ऑफ मिल्क विच इज एक्सेप्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म, तो उसके एक्सपीरियंस के आधार पर क्या होता है कि वो मास लेवल पे दूध को जो है जो खराब है उसको अलग करने में अपने आप में कंपिटेंस डेवलप कर लेता है। तो उससे क्या होता है, समय की बचत होती है, और अगर किसमें डाउट है तो वी कैन गो फॉर रैपिड रैपिड टेस्ट विच कैन क्विकली और क्विकली गिव यू द क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ द मिल्क दैट इज सुटेबल फॉर प्रोडक्ट और नॉट। तो खास करके अगर हमें स्वीटेन कंडेंस मिल्क बनाना है और कंडेंस मिल्क या इवोपरेटेड मिल्क, कंडेंस मिल्क या ड्राइड मिल्क बनाना है, तो दूध में हीट स्टेबिलिटी की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, तभी है सो वो जब हाई टेम्परेचर पे जब फॉर वार्मिंग और फिर बाद में ड्राइंग टेम्परेचर और कंडेंस जो खास करके इवोपरेटेड मिल्क में हायर हीट ट्रीटमेंट जब जाता है तो उसको वो स्टेबलाइज हो सके। वो इसी वजह से हम लोग जो है अल्कोहल टेस्ट करते हैं, उसमें तुमको ऑलरेडी बता चुके थे, सबसे पहले 5 ml दूध लेते हैं और उसमें 5 ml अल्कोहल जो है 95% को उसमें मिक्स करते हैं। इफ देयर इज ए फ्लैक्स फॉर्मेशन देन द इट मींस पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया तो मतलब दैट मींस मिल्क इज नॉट सुटेबल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क, तो मिल्क वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से अल्कोहल एल्जीरियन टेस्ट है, जितना हम दूध लेते हैं उतना ही वो मिक्सचर मिलाते हैं, उसमें भी अगर कर्डल फ्लैक्स फॉर्मेशन हो गया, कर्डल फॉर्मेशन हो गया तो मिल्क है सो नॉट पॉजिटिव हो गया और वो रिजेक्टेड है। उसी तरह से एक बताए थे अल्कोहल इंडेक्स टेस्ट। अल्कोहल इंडेक्स टेस्ट में क्या है कि हम लोग जो है दूध लेते हैं बीकर में और अमाउंट ऑफ अल्कोहल नीडेड टू कोगुलेट द मिल्क the point at which they can able to coagulate the milk. So, किस पे coagulate करता है उसके आधार पे जो है हम
इसको बनाते हैं। आई थिंक व्हाई यू आर नॉट ओपन योर वीडियो। अरे हमें तो भी पता चले कि हम किसको पढ़ा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या बात है, ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो मुझे। क्लास नहीं करना है तो बोल दो मुझे, मैं छोड़ देता हूं। एक तो एक क्लास में 10 लोग आया हो, केवल 20 लड़के से 27 लड़के हो, कोई चीज बता रहे हैं तो सुनो उसको। इसके बाद जब हमारा दूध एक्सेप्ट हो गया, उसी में तुम देखोगे कि लिखोगे कि अल्कोहल इंडेक्स 7 का मतलब क्या है कि 7 ml जो है हमारा अल्कोहल लगा दूध को कोगुलेट करने के लिए। अगर 2, 3, 4 अल्कोहल इंडेक्स है तो मिल्क क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। दैट मिल्क इज नॉट सुटेबल फॉर कंडेंसिंग और कंडेंसिंग ऑफ मिल्क। उसी तरह से हमारा अगर दूध 7 है या 7 से ऊपर है तो वो सुटेबल है, बेस्ट सुटेड फॉर स्वीटन कंडेंस मिल्क, इवोपरेटेड मिल्क एंड ये स्वीट, ये क्या कहते हैं, ड्राई मिल्क प्रोडक्ट। इस तरह से हमारा दूध स्क्रीन हो गया। अब हमको क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज करना है मतलब हमें वी हैव टू मेंटेन द लीगल स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम वी हैव आल्सो इंश्योर दैट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन डे टू डे प्रोडक्शन इज यूनिफॉर्म, दैट इज देयर नॉट वेरी मतलब देयर इज नो डिफरेंस when we send into the market, तो किसी भी तरह का difference within the product नहीं होगा। जैसे तुम किसी तरह का standard product खाते हो, चाहे अमूल का sweetened condensed milk हो, चाहे किसी का भी, तो उसमें तुम देखोगे कि day to day उसके quality एक ही आता है। उसका कारण क्या है, we are actually standardize the product so that they are we are able to produce है ना informed quality product, informed quality with respect to flavor, with respect to body and texture, with respect to color and appearance, है ना। तो इस तरह से हम लोग ऐसे उसको ये करते हैं। उसके बाद जो हमने बताया था, इसके बाद क्या होता है कि हमारा क्या कहता है, न्यूमेरिकल जो हम स्टैंडर्डाइज करेंगे उसमें मैंने न्यूमेरिकल जैसे तुम लोग को दिया था उसको हम शेयर भी करेंगे। बाकी 12 लोग आए, तो हम लोग जो है न्यूमेरिकल जो दिए थे जिसमें हमने बताया था कि 10,000 लीटर दूध है जिसका कि जिसमें कि 3.6% फैट है और 12.5% टोटल सॉलिड है, और उसको हमको बनाना था, स्टैंडर्डाइज करना था स्वीटन कंडेंस मिल्क में। और स्वीटन कंडेंस मिल्क में जो है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, है ना, स्वीटन कंडेंस बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, द क्रीम फ्रॉम द सेम मिल्क टेस्टिंग 40% fat has to be admixed in order to maintain the desired 9.05% fat and 31% total milk solid. इसका मतलब क्या है कि जो sweetened condensed milk है उसमें हमारा तो minimum कितना fat चाहिए, 9, और कितना total solid चाहिए, 31. तो हमको क्या करना है इसमें कि हमें ये करना है कि हमें जो जिस दूध से हम लोग बना रहे हैं स्टैंडर्डाइज करना, उसी से उसी तरह के दूध से हम क्रीम निकाले जिसका कि फैट 40% है। तो अब हमको क्या करना है कि कितना मात्रा में 40% वाला क्रीम है सो चाहिए ताकि हम, है ना, जो फैट और SNF चाहिए हमको वो हमको स्वीटन कंडेंस मिल्क में प्राप्त हो। मेरे बात समझ में आई प्रणव? Yes, वीडियो क्यों नहीं ऑन करते हो तुम लोग, क्या है दिक्कत, हमें समझ नहीं आता है। 5-6 लड़का भी रहे खोल करके तो मैं कुछ नहीं बोलूं, लेकिन देख 2 लड़का अभी खोलता है उसके बाद बंद करता है, बार बार बोलने पे भी कोई असर नहीं है, क्या बात है। तो इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो तुम्हें एक फॉर्मूला मैंने बताया था क्लास में ड्यूरिंग क्लास, पर सबसे पहले हम SNF परसेंटेज इन क्रीम निकालते हैं, जो कि हम तुमको भेजे भी हैं, क्या कहता है, तुम्हारे रिस्पेक्टिव ईमेल पे सॉल्यूशन भी, लेकिन उसको समझाने चाह रहे हैं कि SNF परसेंटेज इन क्रीम कैसे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, 100 माइनस परसेंटेज फैट इन क्रीम डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज फैट इन मिल्क डिवाइडेड बाय गुने
multiply by percentage SNF in milk. If you are interested to attend the class seriously, you must, what I have sent to you before taking the practical class, I have already sent the materials so that we can discuss one by one, so that you can somewhat acquaint with the sweetened condensed milk. और ऊपर से जब तुम इतना लॉकडाउन है और थोड़ा सा तुम टीचर के साथ थोड़ा क्या कहता है डिस्कशन करो तो थोड़ा तुम्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी. और तुम ऐसे कोई वीडियो भी ऑन करके नहीं रख रहा है तो क्या इन मैसेज आ रहा है. हम लोग को एक बार कह दिया जाता है कि हम लोग कभी भी इतना इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस किए किसी में हम लोग ने ऑफ नहीं किया होगा, क्योंकि हम लोग को क्या कहेगा, लेकिन अपना डिसिप्लिन है ना, मैसेज जाता है. अभी हमें जैसे BHU से आया हुआ ई पोस्टर का सबका जज बनाया गया है, सब 41 पोस्टरों का. तो ये सब चीज हम करके देंगे तभी तो तुम्हारा आगा. हम उसका करके भेजे ही नहीं, ऐसे ही देखे हो कि नहीं, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिए तो हो गया. तो थोड़ा सा तुम लोग भी क्यों नहीं आती प्रतीक्षा क्लास में टाइमली. ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, SNF परसेंटेज इन क्रीम निकाल लिए. अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में देखेंगे, रॉ मिल्क में SNF बटे फैट निकालेंगे और उसके बाद कंडेंस मिल्क में SNF बटे फैट निकालेंगे. तो तुम्हारे कॉपी में भी भेज दिया हूं मैं कि मतलब ईमेल पे कि कैसे निकालेंगे. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टोटल फैट इन मिक्सचर निकाल लेते हैं. तो उसमें क्या होता है, टोटल फैट इन मिक्सचर में निकालने का पर्पज क्या है कि सपोज हमको इतना क्वांटिटी ऑफ 40% का क्रीम उसमें ऐड करना पड़ेगा तो 10,000 के लिए कितना. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, चूंकि एक 100 के लिए हमको 3.6 ग्राम चाहिए तो एक 10,000 के लिए कितना, वो तो फैट हो गया प्लस 100 में 40 फैट है और एक्स केजी हम उसमें मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3.6 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 100 इनटू एक्स. इस तरह से हमारा जो है ये न्यूमेरिकल जो है फैट का इक्वेशन बन जाएगा और उसके बाद टोटल SNF का बन जाएगा. टोटल फैट का बन गया मिक्सचर है ना, टोटल फैट का मिक्सचर बन गया, उसके बाद टोटल फैट का SNF का मिक्सचर बना है. SNF वाला कैसे होगा कि कितना फैट था SNF में और कितना फैट था जो हम क्रीम में निकाले SNF उसका कितना था, दोनों को जोड़ देंगे. तो कैसे हुआ ये, क्योंकि 8.9% हमारा SNF है तो 100 में 8.9 है तो 10,000 में कितना, तो उतना SNF हो गया किसका, दूध में. उसके बाद हमने क्या किया, क्रीम का निकाला कि क्रीम में कितना SNF है. जो मैंने फार्मूला बताया कि परसेंटेज SNF इन क्रीम इज इक्वल टू 100 माइनस डिवाइड माइनस 100 परसेंटेज फैट इन क्रीम डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज फैट इन मिल्क गुना परसेंटेज SNF इन मिल्क. तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम SNF निकाल लिए और ये दोनों को मिला देंगे तो हमारा स्वीटन कंडेंस मिल्क का जो ऐड करना है ऊपर में ही लिखा है कि हमको क्या करना है, बनाना है. तो इसको ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वेशन बन जाएगा. तो स्वीटन कंडेंस मिल्क बनाने के लिए हमें कितना रेशियो चाहिए, 2:2 है ना, पढ़ाया है ना 2.44, यहाँ पे हमको 2.43 जो तुमने निकाला किससे, SNF डिवाइडेड बाय फैट. तो इससे हमारा जो रेशियो निकला 2.43 इसको है सो हम वो फैट SNF के इक्वेशन में जो रेशियो है उसमें पुट अप कर देंगे. तो उसको फिर अल्जेब्रिक जो इक्वेशन होता है उसके द्वारा सिंपल अल्जेब्रिक इक्वेशन से हम एक्स का मान निकाल लेते हैं. एक्स क्या है हमारा, जो अमाउंट ऑफ क्रीम टू बी एडेड, कितना क्वांटिटी ऑफ क्रीम हम ऐड करेंगे. इसमें सिंपल कुछ बात नहीं है, मैं नटशेल में एक चीज बता रहा हूँ बस. इसमें क्या था, जैसे 10,000 केजी का दूध का अगर हमको दूध है जिसमें 3.6% फैट था और 12.5% टोटल सॉलिड था. तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले SNF क्रीम में कितना था वो निकाल लिया, दूध में SNF हमको पता है. उसके बाद क्या किया कि फैट और SNF पर फैट का जो है रेशियो वो मैंने निकाल लिया, वो तो आराम से निकल गया. टोटल सॉलिड हमको कितना चाहिए स्वीटन कंडेंस मिल्क में, क्योंकि 31 चाहिए और उसको घटाते हैं तो 9.05 घट गया तो कितना रेशियो आएगा, तो वही रेशियो आ जाता है 2.43.
और हमको फैट ऑलरेडी पता है कि 9 से कम नहीं होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है लीगल स्टैंड में 9 से कम नहीं होना, 9.05 आ रहा है ठीक। तो उसके बाद हमको क्या करना है कि 10,000 में कितना फैट है ठीक दूध में, और जो एक्स केजी क्रीम है उसमें कितना फैट है। तो एक्स केजी हम तो मान लिए ना कि एक्स केजी क्रीम उसमें ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा स्वीटेंड कंडेंस मिल्क में जो डिजायर फैट होना चाहिए वो पूरा होगा। एक्स केजी जोड़े तो एक्स में तो 100 में कितना है 40 है, तो एक्स में कितना। इस तरह से हम लोग फैट की इक्वेशन बना लिए। उसी तरह से हम लोग एस एन एफ इक्वेशन कैसे बनाए, 100 में इतना एस एन एफ है और 10,000 में कितना, प्लस जो एस एन एफ इन क्रीम निकाले तो 100 में इतना है तो एक्स में कितना एस एन एफ होगा। बस ये इसका एस एन एफ इक्वेशन आ गया। तो फैट और एस एन एफ का रेशियो ऑलरेडी हम लोग निकाले, उसको जो है एल्जेब्रिक फॉर्म में हम जो टोटल मिक्सचर जो हमारा स्वीटेंड कंडेंस मिल्क का फैट का और एस एन एफ का उसका रेशियो जो हमारा आया उससे हम हैसो उसको क्या करता है, उससे हम उसको हैसो रेशियो को मल्टीप्लाई करके सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन है उसमें हम लोग करके और उसके बाद फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो क्वांटिटी आता है जो एक्स के जी आया वो आया करीब तुम्हारा क्वांटिटी ऑफ क्रीम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टरलाइजिंग द स्वीटेंड कंडेंस मिल्क। That sweetened condensed milk definitely meets the standard of sweetened condensed milk as per the legal standard, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या है कि इसमें तुम्हारे पास मैं बना हुआ न्यूमेरिकल भेजा हूँ, उसको बढ़िया से समझ लो, और अगर अभी भी कोई दिक्कत होगा तुम लोग तो ध्यान दे ही नहीं रहे हो ठीक से, तो मैं क्या कर सकता हूँ ठीक है। लेकिन जो जो भी लड़का सिंसियर है उसको बढ़िया से इसको देख लो, ये सब एक बार चला जाएगा तो फिर कोई तुमको बताने का बताएगा नहीं। जितना आसानी से सोच रहे हो ना जो चीज छूट गया तुम्हारा, और कभी भी तुम फिर इसको चाह करके भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज जो है, जैसे अब इसको तो इंडस्ट्री में ले जाना था, तुमको दिखाना भी कुछ था, यहाँ तो है नहीं कहीं पे बिहार में कुछ कंडेंस मिल्क नहीं बनता, तो इस तरह से हमारा जो है इसको निकाल सकते। दूसरा जो हमने न्यूमेरिकल दिए थे उसमें हमने जो है दिया था क्या, 15,000 kg दूध है उसमें 6.5% फैट है और 9% एस एन एफ है, उसको स्टैंडर्डाइज करना है 60% फैट क्रीम से। और हमको तो पता है कि डिजायर कंपोजिशन है स्वीटेंड कंडेंस मिल्क में जो इसमें क्वेश्चन में तुमको भेजे थे वो 9.5% फैट था और 22% एस एन एफ था और शुगर 40% था। इसी तरह से इसमें हमको करना था क्या कि कितना अमाउंट ऑफ क्रीम टू बी सेपरेटेड फ्रॉम फॉर एस सी एम, कितना क्रीम हमको मैंने सरप्लस है, चूंकि हम उसमें बनाए थे 3.6% फैट से, तो स्वाभाविक है कि हमको जोड़ना था, क्या करना था उसमें क्रीम ऐड करना था। इसमें क्रीम क्या करना होगा, हमको थोड़ा रिमूव करना होगा या फिर हमको स्किप मिल्क मिलाना होगा। तो वही दिया है कि अमाउंट ऑफ क्रीम टू बी सेपरेटेड फ्रॉम एस सी एम मैन्युफैक्चर ठीक। उसके बाद अमाउंट ऑफ एस सी एम कितना बनेगा, कितना मात्रा में स्वीटेंड कंडेंस मिल्क बनेगा, कितना मात्रा में शुगर चाहिए, चूंकि शुगर हम इसमें मस्ट है जोड़ना, तो कितना शुगर हम ऐड करेंगे। जो हमने बताया था 3 स्टेज स्टरलाइजेशन, तो उसमें सेकंड स्टेज में हमने शुगर का भी स्टरलाइज करना है तुमको। उसके बाद रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन और शुगर रेशियो, इसको फिर स्टेप बाय स्टेप जब जाओगे तुम तो आराम से। इसमें भी हम लोग फिर वही फॉर्मूला यूज करते हैं, परसेंटेज एस एन एफ इन क्रीम, तो क्रीम का एस एन एफ हमको पता चल गया। और उसमें हमको मान लो कि एक्स के जी जो है क्या कहता है क्रीम हमको हटाना है, मैंने सेपरेट करना है स्वीटेंड कंडेंस मिल्क बनाने के लिए, तो स्वाभाविक है इसमें आराम से निकाल लो तुम, 100 में 6.5% फैट है तो 15,000 में कितना। उसी तरह से एस एन एफ का निकाल लो, 100 में 9 है तो 15,000 में कितना। उसी तरह से 100 kg क्रीम में हमारा 60% फैट का क्रीम है तो 100 में 60 kg फैट है, एक्स में कितना। इस तरह से हम लोग जो निकाल लेंगे तो हम यहाँ पे क्या करें, रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि 15,000 में मान लो एक्स के जी क्रीम हमको हटाना है, तो 15,000 माइनस एक्स हो गया द क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड मिल्क, कितना क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिल्क बनेगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ फैट इन स्टरलाइज में, तो जो स्टरलाइज मिल्क तुमने तुम्हारे पास जो आया कितना फैट हो गया, निकाल लिए थे तुम पहले 100 में 6.5 तो 15,000 में कितना, 975 था तो 975 माइनस कितना हो जाएगा एक्स केजी क्रीम। उसी तरह से हम अमाउंट ऑफ एस एन एफ हमको कितना है तो 1350 निकाले थे, 15 मैंने 100 में था कितना, 100 में था हमारा 9
तो 15,000 में हमारा कितना आया, 1,350। तो इस तरह से हम लोग अमाउंट ऑफ एसएनएफ फिनिश प्राइस में कितना हो गया, 15,000 माइनस 0.0385। इस तरह से हमारा दोनों निकल गया। उसके बाद दोनों रेशियो पुट कर दिए, फैट एसएनएफ वाला 9.5% था फैट और 22% था टोटल सॉलिड, बस उसको हम एसएनएफ, सॉरी 22% था एसएनएफ और 9.5% था हमारा फैट। तो 9.5 डिवाइडेड बाय 22 और इक्वल टू हो गया जो हमने जो इक्वेशन 975 माइनस 0.6x डिवाइडेड बाय 1350 माइनस 0.0385x। तो तुम देखो तुम्हारे पास ये न्यूमेरिकल सब मैंने भेजा है और तुम इसको चाहो तो इसको जो आसानी से समझ जाओ, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल करके बना करके हम तुम्हारे मोबाइल रेस्पेक्टिव मेल पे भी और शायद उसमें भेजते। और इसमें हम एक चीज बताना चाहेंगे, केवल इसको तो निकाल लोगे, उसके बाद हमको क्या है ना फॉर्मूला है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, जो कि मैंने लिख करके भी तुम्हें भेजा है। उस रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन किसको कहते हैं, परसेंटेज टोटल मिल्क सॉलिड इन कंडेंस मिल्क, परसेंटेज टोटल मिल्क सॉलिड इन कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क का मतलब यहाँ पे है स्वीटेंड कंडेंस मिल्क, डिवाइडेड बाय परसेंटेज टोटल मिल्क सॉलिड इन मिल्क, है ना। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, परसेंटेज रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू परसेंटेज टोटल मिल्क सॉलिड इन स्वीटेंड कंडेंस मिल्क डिवाइडेड बाय परसेंटेज टोटल मिल्क सॉलिड इन मिल्क। उसके बाद एक और फॉर्मूला जो हमें शुगर रेशियो निकालना रहता है, शुगर रेशियो, तो वो शुगर रेशियो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज शुगर डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज टोटल मिल्क सॉलिड और गुने डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से शुगर रेशियो, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, बाकी सब जो हमने बताया उसी तरह से निकालते हैं। तो हम समझते हैं कि इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और इसको तुम आसानी से बना सकते हो, समझ सकते हो। इसमें फिर भी अगर किसी को फिर से कोई प्रॉब्लम इसमें है तो हमसे फिर से वो क्लास में पूछ सकता है। इसके बाद हमको तुमको जो है इवोपरेटेड मिल्क का अलग से देंगे, उसका फिर अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने जो एक आज जो दिया है, जो मैंने थ्योरी क्लास में भी बताया था कि वैक्यूम पैन का है ना जो पर्पस होता है क्या है, और उसका उसी के स्टडी कंस्ट्रक्शन और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, वैक्यूम पैन के बारे में हमने है सो तुम्हें भेजा है मटेरियल जो मैंने लिखा था, तो उसको तुम अपने प्रैक्टिकल रिपोर्ट में तो लिखना है कोई बात नहीं, लेकिन उसको समझना भी है, क्योंकि हमने बताया था कि वैक्यूम पैन का जो मेन पर्पस क्या है, बताए थे कि इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, तो हमें कितना कम ईंधन में कितना कम फ्यूल में हम कंडेंस कर लें वो सबसे बड़ी बात है। इसी वजह से हम लोग उनको बताए थे कि फर्स्ट इफेक्टिव ऑपरेटर जो वैक्यूम पैन होगा, सेकेंड इफेक्टिव ऑपरेटर, थर्ड इफेक्टिव ऑपरेटर, सेवन इफेक्टिव ऑपरेटर एंड देवर मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर वी आर यूजिंग। और हमने बताया था डिफरेंट डिफरेंट जो प्रेशर होता है अलग अलग, डिफरेंट टाइम टेम्परेचर कंडीशन होता है, वो सब सभी चीजों को मैंने उस क्लास में बताया था। तो उसको तुमको ये डिटेल में लिखना है। तो वैक्यूम पैन का जो मेन पर्पस है कि इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, दूसरा क्या है कि अगर तुम वैक्यूम पैन में तुम कंडेंस नहीं करोगे तो क्या होगा, देयर मे बी चांसेस ऑफ कुक फ्लेवर, जो हम बताया था कि कुक फ्लेवर हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा बात है कि अगर ज्यादा टेम्परेचर में करोगे तो न्यूट्रिएंट का डिग्रेडेशन होगा, डिटोरिएशन होगा। तो जैसे मान लो कि ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो विटामिन 30%, अगर और ज्यादा करेंगे तो 50% डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मिनरल्स बहुत सारे है सो अनइसॉल्युबल फॉर्म हो जाए, तो देयर मे बी। तो इसलिए इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन जो है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साथ में हमको उसको हीट डैमेज से बचाने के लिए भी वैक्यूम पैन में जाना अनिवार्य है। इसलिए बाद में है सो हम सेवन इफेक्ट तक गए और अभी तो डेयरी में मल्टीपल इफेक्ट, ज्यादातर सेवन इफेक्ट इवोपरेटर मुजफ्फरपुर डेयरी में शायद वही लगा हुआ है और नालंदा डेयरी प्रोजेक्ट में भी शायद सेवन इफेक्ट इवोपरेटर ही लगा हुआ है। पटना डेयरी प्रोजेक्ट में तुम्हारा जो है थ्री इफेक्ट इवोपरेटर है और बरौनी डेयरी में भी थ्री इफेक्ट इवोपरेटर है। इसमें जो डिफरेंट जो पार्ट्स है वैक्यूम पैन का, जैसे हीटिंग सरफेस है ना, वैक्यूम वेपर स्पेस है, फिर कंडेंसर है, वैक्यूम पंप है और इंटरटेनमेंट सेपरेटर है। इसके बाद कंडेंस जो बनता है उसको कंडेंस रिमूवल करने का ऑपरेटर्स है।
इसके बाद हम लोग कैसे उसको शुरू करते हैं, कैसे हम वैक्यूम पैन को स्टार्ट करते हैं, ये सब बातों को विस्तार से उसमें बढ़िया से स्टेप बाय बताया गया है, उसको तुम आसानी से समझ सकते हो। इसके बाद बताओ हमको किसी तरह का क्वेरी है, और मैंने अगर तुम्हें किसी तरह का और चीज इससे संबंधित या कोर्स से संबंधित कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि इसका टाइम जो है 9 मिनट बचा है, तो तुम इसमें से कुछ पूछना है तुमको, किसी को समझ में नहीं आया इसमें से तो पूछ सकता है। हाँ अमरजीत, कुछ पूछना है? समझ गया सर। नो सर, समझ गया। गुड गुड। प्रणव, प्रणव? नो सर। समझ गए? यस सर। प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत हैव यू एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस न्यूमेरिकल और दिस टॉपिक? हाँ समझ गए, गुड। और प्रशांत? नो सर, कोई क्वेरी नहीं है सर, थैंक यू। अच्छा शिवम? यस सर, समझ गया। प्रतीक्षा? हाँ समझ गए सर। बहुत अच्छा है, तुम लोग जो है एक एक करके इसको थोड़ा पढ़ना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और उसमें जल्दी करना है। मैं नट से में बता रहा हूँ, यार इसमें कुछ नहीं है, तुम्हारे पास दूध दिया हुआ है और दूध में पता है कि कितना फैट है, कितना SNF है, और तुमको दूध को क्या करना है, स्वीटन कंडेंस मिल्क बनाना है, तो स्वीटन कंडेंस मिल्क का स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि तुमको 9.05 आना चाहिए, 9.5 आना चाहिए या इतना आना चाहिए, तो हम लोग देखेंगे कि कम फैट वाले दूध से बनाना है तो निश्चित रूप से हमको क्रीम एडिशन करना होगा, तो क्रीम एडिशन जब करना पड़ेगा तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फैट का इक्वेशन करके बैलेंस कर देंगे उसको, उसके बाद दोनों में कितना कितना मात्रा लगेगा या घटेगा कि बढ़ेगा उसमें लिखा रहेगा कि हमको हटा के बनाना है कि जोड़ के बनाना है, उसके बाद तुमको क्या है कि दोनों का इक्वेशन बना लेंगे और SNF इन क्रीम है, चूंकि SNF क्रीम का जो फॉर्मूला है उससे हम SNF निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं टोटल फैट कितना है दूध में, फिर क्रीम में कितना फैट है, दोनों को जोड़ करके इक्वेट करते हैं, उसी तरह से हम लोग इसमें निकाल लेते हैं, किसमें SNF में भी निकाल लेते हैं कि कितना टोटल SNF है, दूध में कितना SNF हुआ प्लस क्रीम में कितना SNF हुआ, बस उसका इक्वेशन जो हम लोग फैट SNF जो दोनों दिया हुआ है उसको बस उसको पुट कर देना है, और उसके बाद x का वैल्यू है सो निकाल लिए जो हमको निकालना है, अगर हमको घटाना है तो उसमें सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, जब हमको ज्यादा फैट का दूध दिया हुआ है, कम मतलब बहुत ज्यादा फैट का दूध है जैसे 6.5 था फेलो मिल से ऊपर है, तो क्या करना होगा क्रीम हमको निकालना पड़ेगा, तो बस वहां पे माइनस है, यही दोनों न्यूमेरिकल तुमको हमने दिया है ताकि बढ़िया समझ लो, और ये न्यूमेरिकल तुम्हें एग्जाम में भी आएंगे, और इसको इसके आधार पे तुम आसानी से स्वीटन कंडेंस मिल्क को स्टैंडर्डाइज भी कर सकते हो। इसके बाद मैंने बताया कि रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, उसको सिंपल फॉर्मूला है परसेंटेज टोटल सॉलिड इन जो बताया, और उसी तरह से हम शुगर रेशियो कैसे निकालते हैं उसको निकाल लेना है, अमाउंट ऑफ शुगर तो बहुत आसान है, कितना क्वांटिटी में हमें, जैसे मान लो 100 kg हमको स्वीटन कंडेंस मिल्क बनाना था उसमें कितना शुगर चाहिए था 40 kg, तो अब जितना तुम स्वीटन कंडेंस मिल्क बनाओ, जो इतना तुम्हारे पास स्टैंडर्ड मिल्क बना स्वीटन कंडेंस मिल्क बना उसमें कितना चाहिए, बस वही 100 में 40 चाहिए, तो जितना तुमको स्वीटन कंडेंस मिल्क अमाउंट था उसमें कितना चाहिए निकाल लिया, सिंपल फॉर्मूला एक एक नियम से है, इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, तुम्हें तो सब भेज दिया हूं मैं, बाकी इसमें और कुछ दिक्कत की बात नहीं है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन सुनने बहुत बड़ा लगता है लेकिन बस उसमें टोटल मिल्क सॉलिड कंडेंस मिल्क में कितना आया बटे परसेंटेज टोटल मिल्क सॉलिड इन मिल्क, उसी तरह शुगर रेशियो में परसेंटेज शुगर डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज टोटल मिल्क सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 100, बस इस तरह से हम लोग शुगर रेशियो भी निकाल लेते हैं, इस तरह से तुम्हें इसको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि हम इसलिए इसको दो बार भेजे भी, और जो वैक्यूम पैन के बारे में है उसके बारे में प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इसको लिख लेना है, और जो जो है लड़का अगर इसमें जो जो असाइनमेंट जो भी दिया जा रहा है उसको अपनी अपने अपने तरीके से सबको करना है, बस किसी तरह से पिछले बार तुम फर्स्ट क्लास में थे इसलिए उसको हम ये, लेकिन इस बार जो है अच्छे से उसमें पढ़ोगे मेहनत करोगे तो तुम्हें असाइनमेंट के क्रम में ही
लिखने के क्रम में बहुत चीज का जानकारी हो जाए। तो ठीक है, और किसी को कोई क्वेरी नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक है, कल हम इसी तरह से, एक्चुअली क्या है कि हमें जो है उसी तरह से क्लास के जस्ट पहले भेजते हैं, उसके बाद ग्रुप में तुम लोग भी भेज दो, तो ताकि सभी को टाइम पता चल जाए, है ना? ठीक है तब, और किसी को कुछ पूछना नहीं? तुषार अटेंड कर रहे हो कि केवल लगा के छोड़ दिए हो? नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। हाँ तुम दिखाओ अपना वीडियो, कहाँ हो? कहाँ हो तुषार? यहीं पे सर। नहीं नहीं, तुम वीडियो दिखाओ ना, यहीं पे तो आप कहाँ देख रहे हैं? यहीं पे अमरजीत है ये तो। क्या तुषार तुम वीडियो क्यों नहीं ऑन करते हो? सर चलो आगे से वीडियो ऑन करके रखना। और क्या है, और कौन? गर्ल्स में केवल एक ही आ रही है प्रतीक्षा, और कोई नहीं आ रही है? और तो कोई नहीं आया है? अरविंद आवाज आ रही है? अरविंद ठीक है। इस तरह से इस न्यूमेरिकल को और जो आज का प्रैक्टिकल, दोनों को सबको बढ़िया से प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिख लेना है, ठीक है? चलो तो यस सर। हाँ तो बंद करते हैं अब। ओके, थैंक यू सर। 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 थैंक यू सर।